एक जगह हम गए पूजा कराने के लिए, तो शंकर भगवान का फोटो देखा, लक्ष्मी जी का फोटो देखा, कन्हैया का फोटो देखा, और एक फोटो देखा कि उसके ऊपर चदरा ओढ़ाया गया था। हमने कहा भैया कौन फोटो आए, या कहा जरा चदरा हटाओ। तो यजमान जी ने कहा हे महाराज सब कुछ करो लेकिन चदरा हटाओ, न कहो। हमने कहा आखिर चदरा हटाने में क्या दिक्कत है, ये कौन सा फोटो है सलमान खान को लगाए हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज। अच्छा लियो जब ना मन बोतो देखे लियो। तो जब चादर हटाया गया तो उसमें आसाराम बापू का फोटो था। तो मैंने कहा आपने इनको गुरु माना, आज आप मेरे सामने शर्मा रहे हैं, इनकी शिक्षाओं को मानिए। गुरु मानने का तात्पर्य यह है कि आप इनके फोटो को आरती मत उतारिए। इन्होंने जो जो बातें आपको बताई हैं, आपको इन्होंने जो भी बातें बताई होगी, सच्चा राह सच्ची सच्चा रास्ता दिखाया होगा, उसी रास्ते पे आपको चलना चाहिए। जब लिखा है कि यहाँ से अयोध्या 45 किलोमीटर, तो उस पत्थर को पकड़े बैठे रहेंगे? अरे वो तो पत्थर बता रहा है कि अयोध्या 45 किलोमीटर है, आपको चलना पड़ेगा। तो आप पत्थर पकड़े कहे बैठे हैं, आप चलते क्यों नहीं? इसलिए बस गुरु का इतना कार्य है कि शिष्य को जगा दे, और शिष्य जग करके उस लक्ष्य की ओर बढ़े।